Hi everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and once again आपके सामने हाजिर हूँ लेकर के एक और क्वेश्चन पेपर. जी हाँ, जो क्वेश्चन पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, वो है अप्रैल 2018 का, दैट इज पेपर नंबर 1 एनडीए का पहला एग्जाम. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको चार स्टेटमेंट गिवन और आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला कहते हैं कि अगर कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जिसमें टेम्परेचर नहीं है तो वो हीट नहीं है. अगर कोई एनर्जी चेंज हो रहा है और उसमें टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो हीट नहीं है. और ये बिल्कुल सही बात है, हीट तभी आएगी जब देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर, जब देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्परेचर. तो यहां पर लकीली पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट वन इज करेक्ट. बाकी तीन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगले क्वेश्चन पे आइए. इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. पहले आप टाइम पीरियड समझिए. टाइम पीरियड का मतलब एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन खुद को रिपीट करता है. ठीक है, एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन खुद को रिपीट करता है. जनवरी का मंथ 12 महीने के बाद आता है तो वो एक तरह का पीरियोडिक मोशन है. ठीक है, हर शाम के 4 हमेशा 24 घंटे के बाद आते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, टाइम पीरियड. सॉरी, जो आपके पास एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रहा है. अगर आपकी लेट से कोई क्लास मैथमेटिक्स की क्लास होती है एवरीडे एट 10 AM, तो इट मींस दैट द क्लास विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 24 आवर्स, तो वो भी एक लेजिटिमेट टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रहा है. तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, द मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर टाइम टी, यहां तक ठीक है. लेकिन बाद में जो उसने ये बोल दिया ना कि ओनली वंस, ये गलत है. ठीक है, तो यहां से जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो इसका मतलब स्पीड, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट स्पीड चेंजेस विद टाइम, ये गलत है. वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन. जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कैसे चेंज हो सकती है. तो नॉट करेक्ट इज द सेकंड वन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. कहते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू एंड आफ्टर टाइम डी इट्स वेलोसिटी इज वी. द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन इज वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शैल बी स्ट्रेट लाइन. अब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेट से अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां पर आपके पास दिस इज वी, दिस इज टी. एक वी है एक टी है. वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. अगर आप टी को जीरो रखते हो, आपके पास इक्वेशन है वी इज इक्वल्स टू U प्लस ए टी. अगर आप T को जीरो रखते हो तो T को जीरो रखने पर V किसके इक्वल है, U के. मतलब V जीरो नहीं है, V की अभी भी कुछ वैल्यू है. तो जब V की कुछ वैल्यू है तो लेट से यहां U है. अब उसके बाद तो फिर ये देखो ना, ये उसके बाद तो डायरेक्टली T के ही प्रोपोर्शनल है. तो ये तुम्हारे पास ग्राफ आ जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा ये इतना इंटरसेप्ट आएगा. किस पे आया है, वाई एक्सिस पे आया है. तो यहां से विद वाई इंटरसेप्ट यू, सी इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसकी हर पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्स्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एट एवरी पॉइंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम. व्हाट विल हैपन इफ आई पुट अ
बार मैग्नेट, मैंने एक बार मैग्नेट रख दी है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक बार मैग्नेट रख दी है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब उस पे इस तरफ भी एक फोर्स लगेगी और इस तरफ भी, दोनों तरफ फोर्स जो है वो बराबर लग रही है, तो इसलिए उस पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, जीरो लगेगी। द नेट फोर्स ऑन द बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो अब आप इन चारों में देखिए सबसे ज्यादा मास किसका है, नो डाउट क्रिकेट बॉल का, तो क्रिकेट बॉल का इनर्शिया सबसे ज्यादा है, क्रिकेट बॉल को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 1 kW ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इंटू जूल, जब आप 1 kW एनर्जी को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 kW इज 10 raised to the power 3, ठीक है जी, इट्स 10 raised to the power 3, और 1 hour में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल, 3.6 × 10⁶ जूल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है, इट इज द डी पार्ट, इट इज सेम फॉर ऑल बॉडी पेयर्स, नो, मैं अगर अर्थ और मून और अर्थ और अगर सन की बात करूं तो इन दोनों के लिए ही ये अलग अलग है, तो इट इज नॉट सेम फॉर ऑल द बॉडी पेयर्स। चलिए नेक्स्ट इज, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी, देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स वाटर के अंदर कितनी लगेगी, जितना उसका वेट है माइनस जितनी उस पे बायंट फोर्स लग रही है, बायंट फोर्स, अब वेट कितना है mg, बायंट फोर्स कितनी लगेगी, जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया उसका मास, तो यहां से ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी vg, वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू g, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो इवेंचुअली जो एफ नेट है वो कितनी लगेगी, रो माइनस सिग्मा। अब अगर रो सिग्मा से ज्यादा हुआ, अगर तुम्हारे पास एफ नेट पॉजिटिव आया तो बॉडी डूब जाएगी, सिंक, अगर एफ एन नेगेटिव आया तो बॉडी विल फ्लोट, बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है डिपेंड किस चीज पे करता है कि कोई बॉडी डूबेगी या फ्लोट कर जाएगी, सो दैट इज द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉन ओमिक, ओनली सेमी कंडक्टिंग डिवाइस आर नॉन ओमिक, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन सी क्या है, सेमी कंडक्टर डायोड, खेल खत्म, बात खत्म, तो दैट इज सेमी कंडक्टर डायोड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी वी नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेरिस्कोप, सिंपल पेरिस्कोप बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट विल यूज टू प्लेन मिरर्स, ऐसे मिरर होते हैं, लाइट ऐसे आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और फिर ऐसे दिखाई दे जाएगी, yes, so that is periscope. Frequency range sensitive to human ears 20 hertz to 20 kHz, 20 hertz to 20 kHz, b part. अगला question है,
which one of the following statement about latent heat is for a given substance is correct? It is fixed at given temperature, it depends on temperature and volume. It is independent of temperature and volume, it depends on the temperature but independent of volume. Ji nahi. Latent heat is Q is equal to ML. Na to ye temperature pe depend karti aur na hi ye volume pe depend karti. Fix hogi kisi bhi temperature pe aur it is independent. To option number B. Option number B. Let's move to the next one. Which one of the following statement about the mass of a body is correct? Mass is very fixed quantity, so it will be same everywhere. Isme zyada kuch nahi sochna hai. Har jagah same hoga. Let's move to the next one. Agla question kya hai? Which one of the following statement about a fluid at rest in a cup is R? Dekhiye dhyan se. Pressure is same at all points of the fluid? No. Inside liquid, pressure is given by H rho G. It changes with height. लिक्विड के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है. हाइट चेंज प्रेशर चेंज, तो ये नहीं आएगा. तो इसका क्या आ जाएगा? सेकंड एंड थर्ड, बी पार्ट, सेकंड एंड थर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर. बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which of the following statement about specific heat of a body is correct? Specific heat depends on mass and shape of the body. Independent of mass and shape of the body, depends only upon the temperature of the body. Temperature पे तो बिल्कुल depend करेगी, क्योंकि एक degree temperature बढ़ाने के लिए कितनी heat की requirement है. तो देख लो third किस में है? इस वाले में सिर्फ एक में है third, तो यही सही आएगा. अगर पहले दो में तुम unsure हो, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, only the second one. ठीक है, चलो. A ball balanced on a vertical rod. एक vertical rod है, एक vertical rod है, उस पर एक ball balance है. तो ये अगर मैं इसको इधर displacement देता हूं या इधर displacement देता हूं, तो eventually it will start moving. तो this is an unstable equilibrium. Unstable equilibrium. Which one of the following is an example of force of gravity on the earth acting on a vibrating पेंडुलम बॉब? जब पेंडुलम ऐसे ऐसे इधर से इधर मूव करता है, इधर से इधर मूव करता है, जब वो इधर जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी, जब वो इधर जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगी. तो एक रेस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटी एक रेस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करती है. ग्रेविटी एक्ट्स लाइक अ रीस्टोरिंग फोर्स. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अब एयर के लिए ये सबसे कम होगा, कितना? 1, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा एयर में है. लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा एयर में है. उसके बाद तो इसमें से करेक्ट क्या है? इट इज, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एयर बात करें तो हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी हमेशा कोई भी मीडियम ले लो आप, एयर से तो कम ही होगी. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज. Which one of the following statement about magnetic field lines is not correct? पहले correct ढूंढ लेते हैं. There are no magnetic field lines inside a bar magnet. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है. Next, field lines between two poles cannot precisely be straight line. बिल्कुल जरूरी थोड़ी है. These are closed continuous curves. हम तो line बोलते ही नहीं है, हम तो straight line की तो बात ही नहीं हो रही है. Closed continuous curves, तो ये भी सही है. B option, they do not cross each other. बिल्कुल सही, ये भी सही है. अगर वो क्रॉस करेंगे तो दे विल इंटरसेक्ट, और जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बन जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज अनएथिकल. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ए. ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. अगले पे आते हैं. पूछता है द टू कन्वेक्स लेंस विद पावर 2 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस सिस्टम इज.
आपके पास पावर जब दो लेंस की आप ऐड करोगे ना, तो ऐसे ऐड करोगे डायरेक्ट, अगर कॉन्टेक्ट में 4 डायोप्टर तो फोकल लेंथ 1/4 0.25 मीटर डी पार्ट, 0.25 मीटर डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ ऑल यूनिवर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटर। अरे भाई, लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो इतनी ज्यादा होती है, ये तो नहीं हो सकता, 10^15 होती है। अब स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जी नहीं, बेशक नाम लाइट ईयर है, टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की है। टेम्परेचर नो, लार्ज डिस्टेंस एज ऑफ यूनिवर्स, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस एज ऑफ यूनिवर्स इज अगेन इट्स अ यूनिट ऑफ टाइम, हमें डिस्टेंस की यूनिट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव एंड वाटर वेव आर करेक्ट, एग्जिबिट रिफ्लेक्शन, कैरी एनर्जी, कैरी एग्जर्ट प्रेशर, कैन ट्रेवल। नो 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 नो, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, तो फोर्थ नहीं होगा, 1, 2, and 3 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, जो बॉडी की थर्मल कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मास, सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ द बॉडी, ए ऑप्शन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, इट्स नॉट अबाउट फिजिक्स ओनली, और वीडियोज भी रेगुलर इंटरवल पे आती रहेंगी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।